हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं अपना छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा किचन गार्डन। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये करेले की बेल लगी है, लौकी की बेल लगी है, काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी सारी लौकियाँ इसमें निकल रही हैं। अभी कुछ छोटी छोटी भी हैं, आप देख सकते हैं कहाँ तक ये फैल गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है। लौकियाँ लगी, ये सब छोटी छोटी सी काफ़ी सारी लौकियाँ हैं इसमें लगी। और ये सेम की बेल है, ये भी काफ़ी फैल गई है, इसमें भी अब फूल आना स्टार्ट हो गया है। ये मेहंदी लगी हुई है, ये इमली का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये पेड़ भी, आप देख सकते हैं। ये गोभी लगी हुई है, फूल गोभी, सरसों का साग भी लगा था जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, इसमें फूल आ गया है। इससे पहले काफ़ी साग इस्तेमाल भी हुआ है, साथ ही कुछ ये मूली भी लगी हुई है। अब आपको कुछ प्लांट्स फ्रूट्स के दिखाते हैं। ये मैंगो ट्री है और एक ये लगा हुआ है आम का पेड़, एक ये है जो काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन अभी ये एक मैंगो की छोटी वैरायटी है। ये पेड़ छोटे ही रहते हैं क्योंकि ये किचन गार्डन है और इसके यहाँ पर मैंगो के छोटे ही प्लांट लगाए हैं। शरीफे का पेड़ से शरीफा टूट चुका है, काफ़ी सारा आया था शरीफा, अब एक आधी शरीफा इसमें लगा रह गया है। ये इसमें अमरूद का पेड़ है और काफ़ी सारा अमरूद आया हुआ है इस वक्त इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पेड़ में अमरूद। और ये नींबू का पेड़ है, नींबू की अब फसल ख़त्म हो चुकी है और इसमें फिर से फूल आना ये स्टार्ट हो रहा है, आपको वाइट वाइट इसमें फूल दिख रहे होंगे। नींबू का पेड़ है, इसमें बारहमासी नींबू आते हैं, अभी ये छोटा ही है लेकिन ये माल्टे का पेड़ है, ये भी बड़ा हो गया है, नेक्स्ट ईयर से इसमें भी फसल आना शुरू हो जाएगी। और अब हम आपको दिखाते हैं एक प्लांट, ये है नाशपाती का पेड़, अभी ये छोटा ही है, कुछ महीने पहले ही लगा है। इसी तरह से कुछ गन्ने के पौधे लगे हुए हैं, ये गन्ना लगा हुआ है और आप देख रहे हैं ये गन्ना है और इसमें भी गन्ना काफ़ी आता है, ये सब फैला हुआ है गन्ना। ये एक और है नींबू का प्लांट और अब ये देखिए ये केले का पेड़ है, तीन चार केले के भी प्लांट लगे हुए हैं। ये जो आपको एक स्टेम लटकती दिख रही है, जस्ट दो चार दिन पहले ही इससे केले की गौर काटी गई है, बहुत अच्छे इसमें काफ़ी अच्छे और हेल्दी केले आए थे इसमें। ये है संतरे का पेड़, जैसे कि आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है और कितना सारा संतरा इसमें आया हुआ है, पूरा पेड़ लदा हुआ है संतरे से और ग्रीन ग्रीन पत्तियों में ये ऑरेंज ऑरेंज संतरे बेनतहा खूबसूरत लग रहे हैं। संतरे तैयार हो गए हैं, दिन में खाने लायक हो जाएंगे लेकिन अभी भी इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एकदम मार्केट के संतरों की तरह। मौसम्बी का पेड़ है और चलिए हम आपको पेड़ दिखाते हैं, ये खजूर का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, लिए हम आपको दिखाते हैं। अभी ये चीकू का पेड़, इसमें भी चीकू आ गए हैं और अभी कच्चे हैं लेकिन और छोटे भी हैं, काफ़ी सारे चीकू इसमें आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, ये लाइन से कुछ प्लांट लगे हैं पपीते के, इसमें भी काफ़ी सारा पपीता आया हुआ है हर प्लांट में। नारंगी का प्लांट है, छोटी छोटी नारंगी इसमें आई हुई हैं और ऑरेंज कलर की नारंगी पेड़ में बहुत खूबसूरत लग रही हैं
आप देख सकते। अब हम यहाँ पर आपको कुछ अलग से प्लांट दिखाते हैं, जैसे कि एलोवेरा लगा हुआ है, फायदेमंद चीज है। तो यहाँ पर ये एलोवेरा भी लगी हुई है। सर्दी में तुलसी कुछ खराब हो जाती है, लेकिन इसके जो फूल गिरते हैं उससे नए प्लांट फिर से निकल आते हैं। ये तुलसी का पेड़ है जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये है तेजपात का पेड़ जिसको कि हम लोग तेज पत्ता बोलते हैं, खाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। ये है करी लीव्स जो कि खानों में इस्तेमाल होती है, जिसे करी पत्ता भी बोलते हैं, मीठा नीम भी इसको। कीनू का पेड़ भी देखने में संतरे की तरह ही लगता है, लेकिन इसकी वैरायटी अलग है, लेकिन है भी काफ़ी सारे कीनू आए हुए हैं और पेड़ पूरा ही तैयार है इस वक्त। हमारा छोटा सा प्यारा सा और क्यूट सा किचन गार्डन।